beautiful people, this is Angel Singh and welcome back to my channel. Thank you so much for coming back again. Thank you. आपने बहुत सारा support किया, आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपने बहुत सारे comments के through मुझे इतना सारा प्यार दिया. Thank you so much for that. Today again, आज मैं आपके लिए बहुत एक interesting video लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम बहुत सारे different ways देखेंगे जो कि aloe vera gel को आप use कर सकते हैं अपने daily routine में, जिससे कि आप स्किन बेनिफिट, जो आपका जो स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उससे भी आप निजात पा सकते हैं, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर जिसके सॉल्यूशंस एलोवेरा जेल के थ्रू आपको मिल सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग हेयर सौंदर्य, पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल. अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो भी एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. मैं प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी एलोवेरा जेल से रिलेटेड बहुत सारे जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको इससे मिलते हैं मैं उसके बारे में आज बात करूंगी. एंड विल शो यू कि कितनी डिफरेंट तरीके से आप इस जेल को अपने डेली रूटीन में बिना किसी एफर्ट के, लाइक आपको 15 चीज़ें और नहीं चाहिए, सिर्फ एक अकेला ये रामबाण काफ़ी है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट दी वीडियो स्टार्टेड एंड लेट्स सी देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज फॉर योर स्किन केयर, फॉर योर हेयर केयर टू यूज दिस एलोवेरा जेल एंड लेट्स फाइंड आउट वॉट आर दीज बेनिफिट्स. सो या लेट्स गेट दी वीडियो स्टार्टेड. So the number one benefit which I'm going to tell you is to how to treat your acne with the help of aloe vera gel. Aloe vera gel में basically two तरह के hormones पाए जाते हैं. One is auxin, the other one is gibberellin. दोनों के दोनों hormones का उसका property ये होती है कि ये आपकी जो भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो गया है, ब्लिस्टर हो गया या कुछ भी हो गया है, उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. कहीं वूंड हो गई है या एंजाइमा हो गया है, ये सब प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं जिससे कि ये आपको एक्ने को रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. दैट इज़ माई फर्स्ट मेथड. एंड द सेकेंड मेथड दैट आई वुड वॉन्ट टू शो यू हेयर इज़ कि आप इसको फेस पर फेस मास्क की तरह कैसे लगा सकते हैं. आप अगर इसको फेस मास्क की तरह लगाएंगे तो मैं उसका रीज़न बताती हूँ. इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो अगर आप इसको पूरे फेस पर लगाकर रात भर के लिए सो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में आप फर्स्ट एप्लीकेशन से ही देखेंगे कि आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो गया है. और एज वेल एज यू नो आपके जो अगर फेस पर कोई स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस वगैरह हैं, तो ये उनको भी हेल्प करता है रिड्यूस करने में. उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक रिफ्रेशमेंट मतलब आपको लगेगा. वो इसलिए क्योंकि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, आपकी स्किन फेयर लगेगी. आपकी स्किन में अगर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, रिंकल्स वगैरह पड़ गए हैं, तो आप हल्का सा मसाज करके उसको ज़रूर सोइए ताकि सुबह तक, और ये अगर आप 15 डेज 20 डेज तक लगातार करते हैं तो यू विल डेफिनेटली सी अ बिग चेंज ऑन योर फेस. अगर आपको कंटिन्यूसली एक्नी वगैरह हो रहा है या स्किन आपकी बर्न हो जाती है, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके ये प्रॉब्लम्स को दूर करती है. तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा. इसके साथ साथ ये मॉइस्चराइजर का काम करता है. तो जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग जिनका ऑयली कॉम्प्लेक्शन है वो जनरली मॉइस्चराइज़र कम लगाना पसंद करते हैं, बट अगर एज अ एलोवेरा जेल को अगर आप मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको रात में ज़रूर लगाइए, दिन में नहीं, रात में सबसे ज़्यादा आपको ये इफ़ेक्टिव लगेगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड मेथड, अगर आप इसको थर्ड मेथड जो है वो आपका अंडर आई जो आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं या बैग्स बन जाते हैं, आई बैग्स बन जाते हैं, उसको रिमूव करने में ये बहुत हेल्पफुल है. उसका रीज़न ये है कि आपके जो डार्क सर्कल्स बनते हैं, या तो अगर आप रात को नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, अगर आपके आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बन सकते हैं. तो ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक तो इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो आपके आईज़ के आसपास का जो एरिया है उसको कूल ऑफ करता है, स्किन को कूल ऑफ करता है, प्लस हाइड्रेट करता है बहुत
ज़्यादा स्किन को, तो उसमें भी जो आपके डार्कनेस है स्किन के एरिया की तरफ वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी। प्लस ये एंटी, इट फाइट्स एजिंग, तो जो भी आपकी जो साइड में क्रोफिट्स वगैरह बन जाते हैं उनको भी फाइट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगेन आपको मैं ये प्रेफर करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इसको आप रात को ही लगा कर सोइए और सुबह मॉर्निंग में इसको नॉर्मल वाटर से वाटर फेस जो है वो वॉश कर दीजिए। वो रीज़न उसके बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप इस तरह से करेंगे तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अपने फेस पर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको नोटिस करने लग जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ हाउ टू यूज़ दिस एलोवेरा जेल फॉर योर हेयर ग्रोथ। एलोवेरा जेल हेयर ग्रोथ के लिए हर मामले में इफ़ेक्टिव है। आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में अपने हेयर ग्रोथ, अपने हेयर के रूटीन में। आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप इसको डायरेक्टली अगर लेना चाहें तो आप बालों में डायरेक्टली रात को जैसा ऑयल अप्लाई करते हैं आप वैसे इसको अप्लाई करके रात को सो जाइए। सुबह मॉर्निंग में आपको हेयर वॉश करना है, आप इसको नॉर्मली हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप इस तरह से ना करके अगर आप इसको हेयर पैक के फॉर्म में लगाना चाहते हैं, तो खासकर जिनके छोटे बाल हैं वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से बालों में लगा के, और थोड़ा सा अगर आप इसको और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अगर आपको कोई एसेंशियल ऑयल ऐड करना है तो वो आप ऐड कर लीजिए। उससे भी बाल आपके बहुत जल्दी ग्रोथ में, आपके बाल झड़ना बंद कर देगा, आपके बालों में ग्रोथ होने लग जाएगी। एक और जो इसका अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एंटी डैंड्रफ का भी काम करता है। तो डैंड्रफ आपके बालों में जो स्कैल्प में होती है वो ड्राइनेस की वजह से होती है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी एज अ मॉइस्चराइजर का काम करता है, तो आप इसको स्कैल्प में लगा कर छोड़ दीजिए और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हेड को वॉश कर लीजिए। स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा, हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। अगर आप हेयर स्टाइलिंग टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर हो गया, हेयर कलर हो गया, या किसी भी तरह का और कोई फॉर्मेट में आप अगर हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग डिवाइसेस हेयर स्टाइल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बालों में एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करता है ये एलोवेरा जेल। तो कभी भी आप अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बालों में पहले अच्छे से टॉप टू बॉटम बालों में हेयर जेल को लगा लीजिए, दैट इज़ एलोवेरा जेल। और उसके बाद जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहेंगे तो आपके बालों को बहुत कम मिनिमल डैमेज होगा। इनफैक्ट अगर आप हेयर स्ट्रेटन कर रहे हैं तो हेयर स्ट्रेटन में तो ये आपके बालों में शाइन भी ले आता है और बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको खुद बेनिफिट मिलेंगे स्किन केयर एंड बालों के लिए। तो यस, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस। So you have seen there are so many different ways जिससे आप अपने face को ठीक कर सकते हैं, face की सारी problems को ठीक कर सकते हैं, आप अपने बालों को ठीक कर सकते हैं, और वो किसकी वजह से, एलोवेरा जेल की वजह से। तो ये एलोवेरा जेल आपके घर में अगर मौजूद है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फ्रेश एलोवेरा जेल मिल जाएगा। और अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप वाउ स्किन केयर का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, पतंजलि का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक अगर मिल जाता है तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं, और अगर 100% प्योर मिल जाता है तो बस उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाउएवर, अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करें तो बाहर से कोई भी एलोवेरा जेल लाएंगे तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा ही होगा, हो सकता है थोड़ा सा कलर भी हो, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और अगर फ्रेश मिल जाता है तो उससे बेहतर, तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सो या आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई हैव यूज्ड दिस एलोवेरा जेल यू नो इन मेनी डिफरेंट वेज। ये गर्मी सर्दी बरसात आपके लिए 100% काम करता है, और ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक आइटम है जिसको आप कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये आपको मना नहीं करेगा। सो या आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई कम अप विद सच इंटरेस्टिंग क्यूट वीडियोज एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। और आप अगर ये हैक्स को ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सा हैक सबसे बेस्ट था। सो आई वुड वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है, और आपके जितने लाइक्स आते हैं वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ डोंट, थोड़ा कंजूसी मत दिखाइए और फटाफट से लाइक करिए। आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट यू आर ब्यूटीफुल। स्टे ब्यूटीफुल एंड बी ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू, बाय।